क्योंकि 4:30 बजे का टाइम और हम लोग क्या रुके हैं टीचर के बर्थडे के लिए, बस थोड़ी देर में निकलने ही वाले हैं। ये मेरी ड्रेस, ये देखिए इस तरह से, और हम सब लोग तैयार हो चुके हैं और बस अब निकलने ही वाले हैं क्योंकि हमने गेस्ट को 5 बजे के लिए इनवाइट किया है। तो उससे पहले हमें पहुंचना है वहाँ पे, डेकोरेशन वगैरह भी चेक करनी है और इसलिए हम जा रहे हैं। अब मैं बताती हूँ बाकी सब लोग किस तरह से तैयार हुए हैं। ये बर्थडे बॉय कुछ इस तरह से तैयार हुआ है और यहाँ पे बिजी है। ये बर्थडे बॉय की बुआ जो कुछ इस तरह से तैयार हुई है, बिल्कुल मॉडल लग रही है। बुआ तो बिल्कुल मॉडल लग रही है। वैसे अपने अपने तरीके से सब लोग तैयार हो चुके हैं। और इधर देखिए बर्थडे बॉय की मम्मा, कौन से वाला? ये रहा ऊपर। अच्छा, ये हम पहुंच चुके हैं फोगाटा, जहाँ पे त्रिजल का बर्थडे सेलिब्रेट कर। फोगाटा नहीं, फोगाटा, 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 त्रिजल, नॉट फोगाटा। और त्रिजल को देखो जरा। और ये है बर्थडे बॉय। तो ये आपकी बना देती हूं मैं, जाओ जो मेरे फ्लावर। यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं और मैं सोचा चलो बाहर से थोड़ा बहुत आपको दिखा देती हूँ इसका दृश्य, मतलब बाहर से ये किस तरह का है रेस्टोरेंट। और हमारे से पहले एक दो लोग पहुँच चुके थे, ये लोग पहुँच चुके थे हमसे भी पहले क्योंकि 5 बजे का टाइम दिया था, हम थोड़े से लेट हो गए थे क्योंकि 5 बजे से स्नैक्स वगैरह स्टार्ट थे, फिर डिनर तो 8 बजे था। और तब तक कहाँ गया वो त्रिजल, कहाँ गया? और त्रिजल आते ही अपने मतलब गेम्स में बिजी हो गया था। और इसके साथ खुशी थी साथ में कंपनी के लिए, एक दो बच्चे और भी थे। और ये तो इसी में ही बिजी रहा क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे हर तरह की गेम थी और इसीलिए ही नया ने यहाँ पे किया था ये प्रोग्राम ताकि त्रिजल किसी को तंग ना करे। वैसे ये तंग नहीं करता है बच्चा, इसको बस खेलने को चाहिए होता है। और ये एक भी बार हम में से किसी को भी ढूंढने नहीं आया, बट हम लोग इसको बीच बीच में देख रहे थे क्योंकि बच्चा छोटा है अभी, इतना भी बड़ा नहीं है, इसको अकेले रखे, बट ये फिर अच्छे से खेल लेता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल नहीं डर रहा, देखो भाई एक टनल में से आ रहा है टीजल, आगे 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 अकेले ही, देखो ना इसको, वाओ टीजल मान गए टीजल, ये तो 1 साल में कौन से कम था, अब कहाँ से जाएगा, अब फिर से जाएगा शायद उधर से।
और यहाँ पे टीचर सबसे लास्ट में खाना खा रहा है, क्योंकि ये खेलने में इतना बिजी था ना कि क्या ही बताएं। और नेहा ने बहुत अच्छा कर रखा था यहाँ पे, क्योंकि टीचर ने बिल्कुल भी तंग नहीं किया। ये जितने भी टाइम था बेचारा अकेला ही खेलता रहा खेलता रहा, एक बार भी ये किसी को तंग करने नहीं आया। और ये बहुत ही समझदार बच्चा है, क्योंकि इस बार टीचर का बर्थडे संडे को था तो सारे होटल्स बुक थे, कहीं भी जगह नहीं मिल रही थी। बड़ी मुश्किल से ये जगह लास्ट में नेहा को मिली है, और मैं बोलती हूँ थैंक गॉड, ये बहुत ही अच्छी जगह थी। और यहाँ पे हम सब लोगों ने बहुत इंजॉय किया, क्योंकि जितने भी छोटे छोटे बच्चे थे सब बिजी थे खेलने में, और पेरेंट्स ने काफ़ी इंजॉय किया। यहाँ पे हमारी गेम्स चल रही है, क्योंकि नेहा की पार्टी की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि ये हमेशा जब भी पार्टी होती है तो गेम्स ज़रूर खिलाती है, लोगों को इंजॉय कराती है। और हमेशा हम इसकी पार्टी में बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, इसीलिए तो मैं भी मिस करती हूँ कि जब भी इसकी बर्थडे पार्टी हो या त्रिजल की किसी की भी पार्टी हो इसके घर में, तो ये इंजॉय बहुत कराती है लोगों से, क्योंकि गेम्स वगैरह जो होती है उसमें बहुत मज़ा आता है। पार्टी का मतलब ये नहीं होता कि जाओ होटल में बैठो खाओ और आ जाओ, पार्टी का मतलब होता है आप लोग उसमें कितना फ़न कर सकते हो, कितना इंजॉय कर सकते हो इसलिए। और यहाँ पे चल रही है पेपर फोल्ड गेम, क्योंकि हम जो जितने भी हेल्दी हेल्दी थे वो एक साइड को चले गए थे पहले, फिर बाद में इन लोगों ने बोला कि थोड़े पतले और थोड़े हेल्दी हेल्दी बराबर बराबर एक साइड में रहें। मुझे नहीं पता था गेम का कि क्या गेम होने वाली है, फिर वो बाद में जाके पता चला, और हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से बैलेंस बनाया और फाइनली हम जीत भी गए। विनर टीम। और यहाँ पे पेपर फोल्ड गेम चल रही है, जिसके पांव बाहर होंगे वो आउट। फर्स्ट में तो इजी होता है, सेकंड में Yeah.
टेबला को बगाड़ो। सब लोगों का डिनर हो चुका है और अंत में मैं कहना चाहूँगी, अगर किसी को भी बच्चों का बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करनी है तो ये बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों के लिए गेम्स वगैरह है और आप बिल्कुल फ्री रहोगे, बिल्कुल बच्चे आपको तंग नहीं करेंगे और बच्चे भी इंजॉय करेंगे और बड़े भी इंजॉय करेंगे। और इसके बाद हम थोड़ी देर में डांस करेंगे, अभी सब लोगों को खाना खाने दे रही थी। और ये था आज का बर्थडे ब्लॉग, जो होप आपको अच्छा लगा। अच्छा लगो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। और इसी के साथ इस वीडियो का ये एंड कर देंगे और मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। बुलाने के नोट के लिए।